हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और बन रहे हैं डबल नाश्ता पोहा और सूजी का उपमा। सूजी का उपमा मेरी मम्मी का ऑल टाइम फेवरेट है, तो वो तो बनता ही बनता है। और साथ में ये भी फ्राई वगैरह करने के लिए जो कि बनते हैं। नाश्ता किया है और बच्चा पार्टी है। तो मेरी बहन मुझे आज एक मेकओवर देने वाली है और उसके सबसे पहले हम करने वाले हैं हेयर कलर। रूल मौसी पकड़ी गई ऑन कैमरा, तो ये भी तो ऐसा ही है। इसको मेरा रूल भाई जब पापा को पहचान लूंगा। तूने क्या किया है? कलर्स लग चुके हैं, कलर लग चुका है पूरे बालों में। ये कलर कलर है रेवलॉन और पीछे से हाइलाइट्स। लेट्स वेट फॉर 45 मिनट्स। हाँ, तो अब जाके कलर जो है वो सूखा है और यार चढ़ गया है, इतना ओवर नहीं गया है पर चढ़ गया है। अभी थोड़ा सा और सूजा गीले ही है बाल। ये बार मेरा करने वाली है एक मेकओवर, तो उसके लिए मैं जा रही थी। मतलब एक मेकओवर मतलब तो कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाया तो उसे ट्राई करने थे। तो मैं अभी एक फाउंडेशन ट्राई करने वाली हूँ जो कि है ये वाला फाउंडेशन। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ग्लो पोर ब्लरिंग प्राइमर विद द गुडनेस ऑफ टर्मेरिक एंड विटामिन सी। ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला से बना है, साथ में नॉन ग्रीसी है स्किन पे और आपको देगा एक नेचुरल ग्लो जो कि आप देख सकते हैं। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाने वाले हो उससे पहले एक अच्छा सा प्राइमर आपको यूज करना चाहिए, जो कि मैंने यूज कर लिया है। फिर मैं ले रही हूँ ये मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो फुल कवरेज फाउंडेशन, जिसके दो मेन इंग्रीडियंट्स हैं विटामिन सी एंड टर्मेरिक। तो जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ऑन माय हैंड और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे ऑन फेस। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा और साथ में आपको एक बहुत ही अच्छा ग्लो देगा। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जितने भी स्कार्स है, जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ हाइड हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको दिखाई। तो मामा का ये फुल कवरेज फाउंडेशन आपको मिल जाएगा इन 6 डिफरेंट शेड्स और आप अपनी जो शेड है वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे यूज करने वाली हूँ ऑन फेस, तो ये आपको देगा 3 गुना ज्यादा इंस्टेंट ग्लो। जो अब इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बहुत ही इजिली आपकी स्किन में ये ब्लेंड हो जाएगा और साथ में आपको ये 12 आवर्स तक हाइड्रेटिंग स्टे देगा ऑन योर स्किन और बहुत ही अच्छा ग्लो आप मेरे फेस पे देख सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हैं प्राइमर और फाउंडेशन लगाने के बाद
क्लियर डिफरेंस मेरे मेकअप में, इवन मेरा बेस बहुत ज्यादा अच्छा आया है। तो ये जो मामा अर्थ का फाउंडेशन है ये आपको फुल कवरेज देगा और साथ में देगा आपको 3 गुना एक्स्ट्रा ग्लो, जो कि आप मेरी स्किन पे देख सकते हो। बहुत ही क्लियर बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब भी आप एक मेकअप करने वाले हो तो आपको चाहिए कि जो आपका बेस है वो बहुत अच्छा आए। तो आप देख सकते हैं कि बेस एकदम क्लियर आया है। साथ में आपको देगा अप टू 12 आवर लॉन्ग लास्टिंग स्टे ऑन योर फेस और आपका फेस जो है वो रहेगा हाइड्रेटेड भी। प्राइमर भी जो है मामाअर्थ का वो बहुत अच्छा है, एक ब्लरिंग इफेक्ट दे देगा आपकी स्किन पे ताकि जो आपके पोर्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। साथ में आप ले सकते हो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन मामाअर्थ ऐप एंड मामाअर्थ की वेबसाइट पे। आपको यूज करना है ये कूपन कोड जो कि है ब्यूटी जोन 2024 और आपको मिल जाएगा 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑन अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट एंड ऐप पे। मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे ऑन अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, बट दे आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन स्टोर नियर यू। मैसेज मी और कॉमेंट डाउन बिलो द नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट अ मामाअर्थ स्टोर नियर यू। और साथ में मामाअर्थ ने लॉन्च करी अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप जिसमें यूजर्स को मिल जाएगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मामाअर्थ लिसन्स टू यू, सो यूज देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर योर फीडबैक। दे इम्प्रूव देयर अनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर इनपुट, प्लस दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। सो गाइज, एक लॉन्ग लास्टिंग एंड फ्लॉलेस बेस के लिए आपको ये दो प्रोडक्ट जरूर ट्राई करने चाहिए। लिंक्स आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। मेरा मेकअप कर दिया है और आज ना क्या हुआ, हम लोग टीवी देख रहे थे ज़्यादा, तो यहाँ पे ना हल्का सा कलर आप देखिए आ गया है ना। मैं सोच रही सेकेंड टाइम एक बार और यूज़ कर लेंगे तो कलर अच्छे से आ जाएगा मेरे को, क्योंकि मेरे तड़कते भड़कते बाल कट गए हैं। मेरे को पता बड़ी याद आती है यार, मैं कई बार अपनी रील्स देख रही होती हूँ ना तो मुझे इतनी याद आती है उन्हें बालों की। मैं क्या बोलूँ, मैं जिस दिन मैंने सोचा, मेरे को लगा था यार मैं ट्रिम कराऊंगी, उन्होंने मेरे जो बाल काटे हैं ना मेरे से ना पता नहीं कब बढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे, बट बालों से ना एक अच्छी सी शो थी। ये मैनेजेबल ज़्यादा है बट वो प्यारे ज़्यादा, मेरे को बहुत प्यारे लगते थे। इसको बहुत प्यारा किया है इसने ना, नया ये एक लाइनर मंगवाया, होलोग्राफिक आई थिंक वो लगाया है और वाइट लाइनर का यूज़ किया है और ब्लैक को बाहर से कर दिया। सिंपल अगर आप वाइट लगा रहे होते हो ना तो बहुत रामले भूत टाइप के लगते हो। क्या खा रहे तुम लोग? जी हाँ, हाय कर दो। कैसा लग रहा है? हाय करो। हाय पता चला कि हमारे अंदर बहुत हो गए, बहुत ज्यादा वीक कर रहे हैं, तो ये हमने दो मंगाई है। ये किस डॉक्टर ने दिया आपको? ये डॉक्टर अंकुर कौशिक ने रेकमेंड किया है हमको कि हम ये वाली दवाई 1 महीने तक हमें लेना है, आयरन टॉनिक, क्योंकि हम गोली नहीं ले पाते, गोली बहुत ज़्यादा बदबूदार गंदी होती है। और ये दो डी ऑक्सीजन, ये क्या मम्मी, ये भी, ये भी, हाँ ये भी हमें लेना है, इससे भूख लग, जबकि हमें ऑलरेडी भूख लगती है हम खाने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी को भूख नहीं लगती, मेरे को भूख लगती है, दीपा को भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती। और ये हमने दो कैल्शियम मंगाई है, हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ करना चाहते हैं। 1 महीने में हमारा चैलेंज है कि हम अपना 10 से ऊपर करके दिखाएंगे। बाकी मम्मी ये कोई नई दवाई दी है क्या इसने? ये किसी की दवाई है? हार्ट की कैप्सूल है, मैंने ये हार्ट की है मम्मी की, मम्मी की लाइफ टाइम लॉन्ग चलेगा क्योंकि आपको पता है मम्मी हार्ट पेशेंट है। ये पापा की है, ये है कॉम्बोफ्लेम, और ये गैस के क्या नाम है इस पत्ते, क्या बोलते हैं, पेंटॉप, पेंटॉप, पेंटॉप है, पेंगार्ड पेंटॉप है, पेंटोडेक, पेंटोडेक। मम्मी ये गैस की पत्ता तो मुझे भी चाहिए था। ओए
ये खून पतला करने की दवाई है, तो दिखा देते हैं ऐसे, कोई किसी को नहीं पता होगा तो पता लग जाएगा। ये देखिए, ये मेरी है और ये है कौशिक जी की। पूरी दवाई आ चुकी है रिपोर्ट के आधार पर। कैल्शियम मैं लेती हूँ, मैं तो शेल के लेती हूँ। ये क्या छुपाने वाला है? ये भी हल्की थी, टेस्ट है इसमें मिट्टी का। आपका आई थिंक ये बिना फ्लेवर वाली नहीं आती, किसी चौक जैसे आती है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में। हम लोगों को दाल रोटी खाना बहुत पसंद है और हम लोग स्पेशली ये वाली दाल खाते हैं। ये है उड़द की छिलका दाल, पर जो बीच से कटी होती है वो, और साथ में होती है चने की दाल। तो हम इसे थोड़ी सी लंगर वाली दाल भी बोलते हैं, क्योंकि यार पता है हम लोगों के यहाँ पे मैक्सिमम वो दाल जो है ये रोटी के साथ बनती है, पानी हाथ की रोटी, चटनी और ये वाली दाल। उसके बाद ये वाली न्यू किचन थी जो पूरी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, इसे स्टोर रूम में वो कर लिया है। तो एक पापा भी घर बनवाएंगे, वहां पर शिफ्ट होंगे हम लोग, मेरे मम्मी पापा लोग। और ये वाला घर जो है ये पूरा हम किराए पे दे देंगे, और जो बाजू वाला प्लॉट है उसमें भी कुछ फ्लैट्स बनवा के किराए पे दे देंगे। मतलब ये जो जगह है यहाँ से हम लोग पूरी तरह से चले जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन पापा करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी थी, जो कि मम्मी पापा यूज नहीं करते, वो सेमी ऑटोमेटिक ही यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी टाइमिंग की वो है। तो मम्मी ने बोला कि मैं जब जाऊँ तो उन्हें बता के जाऊँ, तो मैंने बता के जाऊंगी कि उन्हें 30 मिनट्स के लिए कैसे चलानी है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो मेरे को वो फीचर्स देखने हैं और फिर बताने हैं। तो यहाँ पे वही काम जो कि हर बेटी के आने पे मायके वाले करते हैं। मम्मी कपड़े निकाल रही थी कुछ, कि पापा से बोल के कि शिवानी को कपड़े देने हैं, तो साड़ियाँ निकाल रही थी। अभी बोला कि भी और साड़ी निकालनी है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग करके रखी है, और ना मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम लोगों को प्लेन में जाना है, तो हमारे पास टोटल 3-4 किलो का वेट का ही गुंजाइश थी, 15 kg एंड 7 kg। पर हम लोग शॉपिंग भी करके आ गए सरोजनी से, और हम लोग सरोजनी के बाद चांदनी चौक से भी शॉपिंग करके आ गए। तो मेरा प्लान है कि अब इस ट्रिप में बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि मैंने साड़ी लेके रखी, उन्हें बहुत सारी साड़ी लेके रखी है, जो कि मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं कुछ साड़ियाँ, और मम्मी ने मुझे दी है ये वाली साड़ी, तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। मम्मी की साड़ी जब घर आते हैं ना अपने, तो आपको बहुत सारी साड़ियाँ देखने को मिलती है घर में। मम्मी का एडिशन, मम्मी जब आप अपने घर आती है तो आपको मिलती है अपने घर में एडिशन? नहीं, जो कंपटीशन होगी भी तुझे को जो पसंद होगा तू ले लेना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी कह रही ये वाली साड़ी मुझे देने की, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। अरे लू लू तो है बारे बरसे ना है
तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे तड़का लगाने। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जीरा और हींग का तड़का, प्याज लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची। मम्मी ने एक साथ काट के दे दिए थे, वो मैं यहाँ पे डाल के, बस हम लोग टमाटर जो थे ना वो हमेशा दाल बॉईल करते टाइम ही डाल देते हैं, तो इसीलिए और कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मतलब फटाफट से ये तड़का लगाना था और हमारा खाना सॉर्टेड था। ये दाल इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी यार कि लग रहा था रोटी ना खाओ बस दाल खाते जाओ, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। तो मेरे को भी घर में जाके भाई दाल बनाई, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं नहीं बनाती है भाई दाल, हम लोग मम्मी बनाया करती थी पर मैं भूल चुकी थी। तो मैं उड़द की दाल सफ़ेद वाली बना लेती थी अलग से या चने की बना लेती थी, पर छिलके वाली भाई दाल तो यार भाई अभी भी लग रहा है मेरे को, दाल रोटी पसंद है स्पेशली वही दाल, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल लिए, उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर यहाँ पे दाल में देख रही थी जो दाल खड़ी होती है चने की, उसे आपको हल्का सा मैश कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये मसाला जो कि रेडी किया है। हमारी जिया उठी हुई सोते हुए, सो कर उठ गया, उठ गई, गुड मॉर्निंग। उसके बाद फिर मैं फटाफट यहाँ पे जो दाल है उसे मैश कर लूंगी। तड़का मैंने इसमें डाल लिया है, अब मम्मी बनाएंगी हरी धनिया की चटनी जो कि इस दाल रोटी को कॉम्प्लीमेंट करेगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ करीबन एक बड़ा चमचा दही, वो क्या बोलते हैं मलाई का, ताकि इसको एक क्रीमी टेक्सचर मिल जाए और ये इस दाल का स्वाद और बढ़ जाएगा। अगर आपको मलाई या कुछ नहीं पसंद है तो आप छोड़ सकते हैं, ऑल तो एकदम दूध से निकली जमी मलाई थी, एकदम फ्रेश निकाल के लाई थी और इससे दाल का स्वाद इतना अच्छा हो गया था कि मखनी दाल होती है ना सिर्फ उसमें राजमा आया होता, बाकी ये पूरा वैसे इतना प्यारा टेस्ट था इसका कि यार क्या बोलूँ मैं, मतलब अभी भी लग रहा है। उसके बाद फिर मम्मी क्या बोलते हैं हरा धनिया निकाल के चटनी जो है वो निकाल ली थी मम्मी ने, फिर मैंने कहा कि आप लोग बैठो और रोटी मैं बनाती हूँ। और यहाँ मैं फटाफट जो रोटियां हैं वो बेल रही थी और दीपा और मम्मी को मैंने जल्दी से बिठा दिया था डाइनिंग टेबल पे। तो मैंने बोला आप लोग बैठो और मैं फटाफट गर्म रोटी बना के लाती हूँ, क्योंकि जैसे एक बेटी रहती है घर में आराम करने के लिए, वैसे ही एक बेटी को भी माँ को आराम देना चाहिए, अगर सोच रहे हो आप तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं फटाफट मम्मी को दे रही थी, यार थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि जब आए हैं बच्चे, बच्चे सब करके हमारा पूरा दिन ना बच्चों के पीछे भागने में सब उसमें निकल जाता, तो हम लोग ज्यादा घर समेट नहीं पाते हैं, तो ये होता है यार, है ना। तो अभी थोड़ा बहुत ज्यादा सामान भी है, तो यहाँ पे मम्मी ने आम भी छौंक के रखा था, एक कच्ची आम है जो मम्मी ने छौंक के रखी है, और फिर थोड़ी सी मलाई भी ली है। मम्मी को थोड़ा सा भी मुंह आया हुआ था, मतलब कि उनसे बहुत तीखा नहीं खाया जा रहा था, तो उन्होंने खाना खा लिया। उसके बाद फटाफट मैं जो बाकी की रोटियां थी वो सेक लूंगी और फिर हम लोग राजा मैं और हमने बैठ के इत्मीनान से जो दाल रोटी चटनी है ना ये इंजॉय करी और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। रात की मस्ती के बाद फिर पापा क्या बोलते हैं हम लोग सो गए और मैंने इसके बाद व्लॉग बहुत ही कम किया है। तो ये है हमारे सावन का पहला सोमवार, जिया पी रही थी अपना दूध, मम्मी यहाँ पे जो हाउस हेल्प है उसे देख रही थी, मम्मी का व्रत था तो उन्हें थोड़ा दूध मंगवाना था, तो हाउस हेल्प आती तो वो वहीं की वहीं बोल देती। उसके बाद जिया को नहलाने से पहले मैंने उसकी मालिश कर दी, तो मैंने ऑलिव ऑयल लगाया उसके बालों में, तो मैं अभी उसके थोड़े से बाल हैं वो बढ़ा रही हूँ ताकि उसको जो बाल है वो अच्छे से मैं चोटी में अभी कर दूँ। कटवाए नहीं है मैंने जिया के बाल, मुंडन के बाद उसके बाल नहीं कटे हैं, तो सोच रही थी मैं कटवाने की, गर्मी बहुत हो रही थोड़ा सा मौसम सही हो जाए फिर मैं कटवा दूँगी, तो अभी बन जाते हैं ना तो वो सही है। हाय,
चीटी चीटी एंड काट लीजिए। उसके बाद बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनने दीवान में डाल दी थी दाल और इतनी सारी चीटियां हो गई थी कि पूछे मत। तो मैं सारे कपड़े अलग कर रही थी, मम्मी ने सुबह कपड़े पहने और पूरा उनको चीटियों ने काट लिया। उसके बाद फिर जो हाउस हेल्प आई थी उससे मैंने कहा कि चादर ढाड़ देना, पर उसमें चीटी हो रही है, इसको निकाल दो। तो यहाँ पे जिया आराम से आ गई थी, मतलब दूध दूध पी के मालिश वालिश करा के, बस उसे नहलाया, लेके जाना था मुझे। और वो कर रही है फ्लाइंग किस, इतने नाखून मार के रखे ना उसने कि पूछिए मत। अब इतनी प्यारी लग रही है, ओह माय गॉड। और बच्चे मतलब बहुत खुश हैं, हेल्थ वाइज मेंटली बहुत पीस में है, प्रॉपर टाइम पे सोते हैं खाते हैं। मैंने बच्चों को ऐसे कभी नहीं देखा जैसे बच्चे मेरे अभी यहाँ पे हैं। को सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है सावन का पहला सोमवार और मेरे घर में 3 लोगों का व्रत है जो कि है मम्मी पापा और दीपा। मैंने व्रत नहीं रखा हुआ है, ऑल दो मैंने कुछ खा के भी नहीं रखा है क्योंकि मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम में खाने को चाहिए होता है, जिया फीड करती है। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है और हमारे जो शिव जी हैं, ये पता है शिव जी नहीं है, ये कुछ वो तो शिवलिंग नहीं है, शालीराम जी बोलती हैं मम्मी ने, क्योंकि शिवलिंग रखते नहीं है। मम्मी बोलती हैं कि पहले वो एक ऊपर का था फिर नीचे का, पता नहीं बताऊंगी, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अभी पूजा हो चुकी है, यहाँ पे हमारे कन्हैया जी दोनों बैठे हुए हैं। हमारे घर में 2 कन्हैया हैं, एक दीपा के पास थे और एक मम्मी के पास हैं। तो दीपा अपने वाले कन्हैया जी की सेवा नहीं कर पाती थी तो वो लेके आ गई यहाँ पे। तो जो छोटे वाले कन्हैया जी हैं वो दीपा के। तो मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि यार इनका कलर ऐसा है क्या है, तो ये डेली नहाते हैं बट इनको एक बार पीताम्बरी से मम्मी बोल रही थी कि वो करेंगे क्योंकि अभी कुछ बर्तन भी हैं वो भी करने, तो आज वाज में करेंगे ये काम। और यहाँ पे भगवान जी जो हैं वो सारे हो गए, तो सुबह पूजा हमारे घर में हो चुकी है। इसके बाद फिर मैंने जिया को ऑयल लगाया, मुझे नहलाया लेके जाना था पर वो पहले ही सो गए। और पता क्या हुआ है, पता नहीं यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रही, मैंने 2 बार वीडियो अपलोड करी, दोनों बार वीडियो गायब हो गई। कुछ व्यूज़ आए क्योंकि वीडियो तो ऑब्वियसली मेरे अपलोड में दिख नहीं रही है। मैंने चेक किया यूट्यूब से तो कुछ ग्लिच चल रही है, तो वीडियो में कई बार अपलोड 2-3 घंटे हो गए हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद भी वीडियो नहीं दिखा रही है। तो मैंने दोनों वीडियो को जैसे तैसे ढूंढ ढांड के प्राइवेट किया है। और अब थोड़ी सी मम्मी आ गई, मम्मी आप आई हो, कपड़ा कहाँ रखा था अंदर, ये क्या करके आई हो, सब कट लगी 2 सुबह के लिए। तो इसके बाद अभी आप जैसे कि भिंडी देखी, मम्मी भिंडी बनाएंगी, पापा आटा गूंथ रहे थे, मैं फटाफट जो पराठे है वो सेक रही हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं इस ब्लॉग को ना एंड करने वाली हूँ क्योंकि सावन के सोमवार के दिन, क्योंकि मम्मी पापा दीपा का व्रत था, उन लोगों ने अराउंड 6 o'clock खाना खाया है, हम लोग ने भी 7:30 खाना खाया है। और ऐसा दिन रहा कि हम लोग सब 9:30-10 बजे तक चित्त हो गए, मतलब सो गए और बहुत आराम किया। इसके बाद मैंने कैमरा ना उठाया ना मैंने कुछ किया, मैंने सिर्फ नाइट ड्रेस चेंज करी है एंड सो गया, इसके बाद कुछ नहीं किया। तो सबको सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।